जी कुछ भी कहे परंतु मुझे पक्षपात की बात सुहाती नहीं है। बोले पिताजी मेरी बात सुनो। तो आज भक्त प्रहलाद जी क्या कहने लगे अपने पिता से, आइए देखते हैं। प्रहलाद जी बोले पिताजी दुश्मन तो इंसान ही इंसान का हो सकता है, भला प्रभु कैसे दुश्मन हो सकते हैं, परंतु आप मेरे नारायण को दुश्मन मत बताओ और आप हमारी थोड़ी सी बात मानो, उन्हीं का भजन करो। आप अपनी जिद मत ठानो पिताजी, आपका समय कोई कल्याण नहीं होगा। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर हिरणा के सब क्रोध में आ गया, ऐसे मानो को उसके कटे हुए पे नमक छिड़क दिया हो। तो क्या हुआ, और उठी क्रोध की ज्वाला जी।
राम नाम लेते ही हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा कि जैसे उसे